वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं दबंग मीडिया से मोहम्मद आमिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कटकड़ी गेट पे आए और ये जो गड्ढे हमने, जैसा कि पूरा औरंगाबाद में कुछ कुछ जगह पर जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके जिधर हमने सर्वे किया, तो वहाँ पर हमको मालूम पड़ा कि वहाँ पर पूरा गड्ढे ही गड्ढे। तो ये हम कटकड़ी गेट पर आए। कटकड़ी गेट पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो रिक्शे को जाने को, इसकी वजह से इतनी। नाम सर? मेरा नाम जावेद अली खान है, मैं इस वार्ड का नगर सेवक अजीम खान का पीए हूँ। सर, ये जो पार्किंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, ये कोई ओपन स्पेस नहीं है, किसी की प्राइवेट जगह नहीं है। हमने बहुत बार लेटर दिए, बहुत बार लेटर देने के बाद भी इस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये यहाँ से हमको पूरा पार्किंग खत्म करना है। ये पार्किंग की वजह से अंदर जो गंदा पानी जा रहा है, तो ये भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये कॉर्पोरेटर अजीम खान ने बहुत कोशिशों से आजू बाजू से रास्ता निकाले थे कटकड़ी गेट के बाजू का, लेकिन प्रशासन ने, ये 5 लाख रुपये का कॉन्क्रीट, 5 लाख रुपये का डामर है, लेकिन ये भी नहीं करवा पा रहे। तो मेरे आपके माध्यम से, आपकी दबंग मीडिया के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि आप ये बात प्रशासन तक पहुँचाए कि भाई, हमारे कटकड़ी गेट से जो आने वाले जाने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और एक ही रोड यूज़ हो रहा है आने जाने के लिए, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो मेरा बोलना ये आ रहा है कि ये जो रोड है, तो आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, 5-10 लाख रुपये का आप कुछ तो भी एस्टिमेट निकाले और इसको डामर करके दे। और ये हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ से पार्किंग ख़त्म करके दे जी, ये साइड से भी और साइड से भी। ये पुलिस स्टेशन को भी दी गई अपने कंप्लेन, हमारा लेटर दे हुआ है कॉर्पोरेटर साहब के। बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर। देखिए, अभी हमने बात की है हमारे यहाँ के उप नगर सेवक के पीए साहब से, जो उन्होंने अभी काफ़ी अच्छे से बताया है कि ये ना तो ओपन स्पेस है, ना किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और उसे पार्किंग का जोन बना दिया गया है। और ये पार्किंग के जोन के चलते काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, जैसे कि कचरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे है। अब ये देखिए, अभी हम 2-4 लोग हैं, तो ये ऑटो किस तरीके से जाएंगे ये। और इसी तरीके से हमने वहाँ का भी रोड का जो सर्वे किया है, फिर गए साहब के दरगाह के पास का भी, वहाँ पर भी नया रोड निकाला गया है, मगर रोड का काम नहीं हुआ है। ये देखिए, आइए, ये थोड़ा सा आगे आइए, आमिर, ये देखिए, ये जो कटकट गेट के 2 रोड निकाले गए हैं, ये देखिए सर, ये रोड का कुछ काम नहीं किया गया है। ये रोड इस तरीके से है जैसे कोई हम हिल स्टेशन पे जाते हैं। ये देखिए, अप डाउन साइज में काफ़ी, और देखिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये आइए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। और यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं जो, ये देखिए, ये आइए, ये कटकट गेट का ये जो पहले का नाला था, ये नहीं, कोई यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, काफ़ी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। इन्होंने ये चीज़ को फेस कैसा करना, और इसके चलते जो बीमारी होती है उसका खर्चा कौन देता है? ये अपना पेट काट के, लोगों से उधार लेके, कर्जे लेके, ब्याज से लेके, अपने जो जो भी कुछ है, अगर अगर उनको डॉक्टर के पास जाना है और अगर ऐसा कुछ है, तो वो अपने गले का, कान का ये सब बेच के ये सब करते हैं। तो ये प्रशासन क्या चाहती, क्या है ये, लोग मरे ये चाहती है, या लोग ये जिए ये चाहती है? प्रशासन से हमारे को, हम दबंग मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। ये देखिए, हमारे कैमरामैन आमिर सागरा ये पूरा कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये तो अभी बारिश आई नहीं है, अभी तो बारिश स्टार्ट होना है। ये देखिए, वो जो पार्किंग जोन बनाया गया है वो गेट के अंदर देखिए, ये जबकि हमारे हिस्टोरिकल गेट्स हैं, इसको किस तरीके से रखा जाए? अगर देखा जाए, अगर आप इसकी हिस्ट्रीज निकालेंगे, तो इसे इस तरीके से रखा जा सकता है कि ये एक हिस्टोरिकल, यानी हिस्ट्री की ये बहुत बड़ी पहचान ही है। औरंगाबाद के दरवाजे जितने भी हैं, बहुत बहुत बड़ी पहचान है। और उसका ये देखिए हाल क्या बना के रखे है। मैं दबंग मीडिया से साजिद परियानी।